गुड मॉर्निंग यश, आप ग्लोबल मार्केटिंग बात करें तो गई काले पण अमेरिकी बजार में फ्लेट कारोबार आपने जोवा मळ्यो अने फ्लेट कारोबार साथे आपने बंद थतो देखायो। जे नासडेक की बात करिए मात्र 4 पॉइंट्स की तेजी साथे आपने बंद थतो जोवा मळ्यो अने S&P 500 अने डाउ जोन्स में जोईए तो जे दबाण छे ते आपने यथावत रहेतुं देखायो। बंने जे इंडेक्सेस छे ते लाल निशान में आपने बंद थता देखाया। आपणे दबाणना कारणोनी वात करी लईए तो बॉन्ड यील्डमां जे रीते वधारो थई रह्यो छे तेने कारणे एक मार्केट पर जे दबाण छे ते आपने जोवा मळ्यो छे, साथे ज मोटा परिणाम जे आवी रह्या छे तेनी असर पण एक दिखाई रही है। गई काले बात करी तो टेस्लाए परिणाम रजू कर्या हता अने अनुमान करता नबळा परिणाम जे छे ते Q1 में रहता जोवा मळ्या। ज्या आवकनी वात करिए टेस्लानी तो 24% घटीने 251 करोड़ डॉलर की आसपास आपणने रहती जोवा मळी छे अने टेस्लाए सतत छठी वार गाड़ियों जे छे तेनी किंमतो पण घटाड़ी छे तो तेनी एक असर पण जोवा मळी छे। मॉडल वाय अने मॉडल 3 ना अमुक मॉडलनी किंमतो जे छे ते टेस्लाए घटाड़ी छे तो तेनी असर परिणाम जे नबळा आव्या छे तेनी असर मार्केट पर देखाई रही छे। साथे ज IBM अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी जो कॉर्पोरेशन एक कंपनी है तेना परिणाम और मॉर्गन स्टेनली परिणाम अनुमान करता सारा रहता देखाया है। Q1 में आप IBM की बात करिए तो 26% आवक जो है तेमनी वधती जोवा मळी छे अने 92.7 करोड़ की आसपास आपणने आवक रहती जोवा मळी छे। युनाइटेड एरलाइन्स जे अमेरिकन एरलाइन्स हेडक्वार्टर कंपनी है तेनी पण Q1 में नंबर्स जे छे ते सारा नंबर्स रजू करवामां आव्या छे। वेस्टर्न अलायंस की बात करिए जे US की बैंक है ते तेना पण परिणाम आपणने सारा रहता जोवा मळ्या छे। तो आजे मिश्र परिणाम जे आव्या छे अमुकना सारा अमुकना खराब तेना कारणे मार्केट में जे वोलेटिलिटी साथेनो कारोबार आपणने जोवा मळ्यो छे, सुस्त कारोबार जोवा मळ्यो छे। बजारनी नजर हवे खास करीने 2 અને 3 મે થનારી ફેડની બેઠક પર છે જ્યાં વ્યાજદર લગભગ 0.25% વધવાના અનુમાન બજાર રાખી રહ્યું છે તો તેના ઉપર ખાસ નજર રહેશે। साथ ज UK की बात करी ले तो त्या मार्च में जो मोंघवारी दर है 10.1% पर पहुंचो है। एट UK में मोंघवारी है हजी पर एक चिंता कारण बनती देखाई रही है। साथ ज अमेरिका में एवं स्थिति बनती देखाई रही है। अमेरिका की खास करीने बात कर लीए तो शू व्याजदर आगळ वधशे तो तेना उपर एटलांटाना फेडरल रिजर्व बैंक ना अध्यक्ष राफेल बेस्टिके कह्युं हतुं के हजी पण दर वधारवानी जरूर छे कारण के मोंघवारी जे छे ते हजी पण आपणने संपूर्णपणे नियंत्रणमां नथी आवती देखाय तो व्याजदर हजी पण वधारवामां आवी शके छे तो तेने कारणे पण मार्केट पर एक चिंता बनती देखाई रही छे। साथे ज आपणे जॉब डेटानी वात करी लीए तो अमेरिकामां खास करीने हालत जे छे परिस्थिति छे ते आपणने सारी नथी देखाई रही कारण के मेटा लगभग 4000 लोकोनी छटणी जे छे ते करी शके छे। आपणे जाणीए छीए के अगाउ मेटाए लोकोनी छटणी करी छे पण हजी तेओ लगभग 4000 वधारे लोकोनी छटणी करी शके छे अने डिझની पण आवता सप्ताहे हजारो लोकोने जॉब परथी काढी शके छे तो जॉब एक मोटो प्रश्न बनतो देखाय रह्यो छे US मार्केट माटे। साथे ए पण एक चिंता बनतो देखाय रह्यो छे। आपणे क्रूडनी वात करी लईए तो क्रूडना फ्रंटथी एक सारा समाचार आपणा मार्केट माटे बनता देखाया छे कारण के एक દિવસમાં લગભગ 2% વધારેનો ઘટાડો આપણે જોઈએ તો બ્રેન્ટની કિંમતોમાં જોવા મળ્યો છે। અત્યારે બ્રેન્ટની કિંમતની વાત કરી લઈએ તો લગભગ $83 આસપાસ આપણને પહોંચતી દેખાઈ રહી છે જે 85 ડોલરની પાસે હતી તો એક દિવસમાં લગભગ 2% વધુનો ઘટાડો આપણને બ્રેન્ટની કિંમતોમાં જોવા મળ્યો છે। ખાસ કરીને આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે મોંઘવારીના કારણે માંગ ઘટવાનો જે ડર બની રહ્યો છે તેને કારણે ક્રૂડ જે છે તેમાં આપણને દબાણ સાથેનો કારોબાર એક જોવા મળ્યો છે। એટલે ક્રૂડના ફ્રન્ટથી આપણા માર્કેટ માટે એક સારા સમાચાર પોઝિટિવ એક્શન આપણને જોવા મળી શકે છે। SGX નિફ્ટીની વાત કરી લઈએ તો શરૂઆતી કારોબારમાં 29 પોઈન્ટ્સની તેજી SGX નિફ્ટી ઇન્ડિકેટ કરતું દેખાયું હતું, અત્યારે 39 પોઈન્ટ્સની તેજી આપણને જોવા મળી છે। લગભગ 17,693ના સ્તર આપણને SGX નિફ્ટી ઇન્ડિકેટ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે તો આપણા માર્કેટ ક્યાંક ને ક્યાંક પોઝિટિવ ઓપન થાય તેવા સંકેતો બનતા દેખાઈ રહ્યા છે। બિલકુલ, તો